बीसीडी नंबर 3555, मॉर्निंग क्लास डेटेड 14/9/1968, क्लैरिफाइड ऑन 23/2021। प्रातः क्लास चल रहा था। 14/9/1968। द मॉर्निंग क्लास ऑफ द 14/9/1968 वॉज गोइंग ऑन। शनिवार को सातवें पेज की मध्याह्न में बात चल रही थी स्वर्गवासी और नरकवासी की। ऑन सैटरडे वी वर डिस्कसिंग द बिगनिंग ऑफ द मिडिल पार्ट ऑफ द 7th पेज। द टॉपिक वॉज अबाउट द रेजिडेंट्स ऑफ हेवन एंड द रेजिडेंट्स ऑफ हेल। द्वापर से लेकर के नरकवासी। From the copper age, you became the residents of hell. क्यों बने नरकवासी? Why did you become the residents of hell? क्योंकि देवताएं ही विकारी बन जाते हैं। It is because the deities themselves become vicious. और उन विकारी बनने वाली देवताओं की निशानियां बहुत ही हैं मंदिरों में। And in the temples. There are many proofs of the deities who become vicious. जगन्नाथ का मंदिर है, कोणार्क का मंदिर है। There is the temple of Jagannath, the temple of Konark. चित्र हैं एकदम देवताओं के। There are the pictures of the deities. समझा ना? You understood, didn't you? वो ये देवता है एकदम मुकुट वाले, ड्रेस ही ऐसी देवताओं की। Those very deities with big crowns, their very dresses were those of the deities. और वो छी। And those pictures are dirty. उनके छीछी पने के चित्र लगे हुए। The pictures of their dirtiness have been shown. उसको कहा जाता है वाम मार्ग, उल्टा मार्ग, विकारी मार्ग। That is called the left path, the opposite path, the vicious path. विकारी मार्ग में गए तो देवताओं को गिरना तो होता ही है। When the deities walked on the vicious path, they are bound to fall. गिरना होता है तो फिर 84 जन्म पूरे करने पड़ते हैं। When they fall, they have to complete the cycle of 84 births. तो मीठे मीठे बच्चों को बाप आकर के सारी बात समझाते हैं। So, the father comes and explains everything to the sweet children. बच्चों का सारा चक्र समझाते हैं 84 का, और अपना भी परिचय दिया तुमको कि मैं कोई पत्थर ठिककर में नहीं रहता हूं, जो पत्थर का शिवलिंग बनाई दिया। He explains the complete cycle of the 84 births of the children and he also gave you his introduction. I am not present in a stone or a lump of soil that they have made the shivling of stone. ये तो यादगार है कि मैं पत्थर बुद्धि में आता हूँ। It is a yadgar of the fact that I come in the one with a stone-like intellect. और मैं कोई एक अवतार नहीं लेता हूँ। I don't incarnate once. नहीं, एक दफा आता हूँ। No, I come once. और ऐसे नहीं कि हर युग में आता हूँ, सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ। And it isn't that I come in every age. I come only in the पुरुषोत्तम confluence age.
जिसकी यादगार भी मनाते हैं पुरुषोत्तम मास। एज इट्स यादगार द पुरुषोत्तम मंथ इज सेलिब्रेटेड। अरे चौथी वर्ष में मनाते हैं ना। इट इज सेलिब्रेटेड एवरी फोर्थ ईयर इजंट इट। तो चार युगों के बाद आता हूं। सो आई कम आफ्टर फोर एजेस। बाकी ये जो भक्ति मार्ग वाले हैं ये तो कुछ भी बोलते हैं। एज फॉर द रेस्ट दोज हू बिलोंग टू द पाथ ऑफ भक्ति से एनीथिंग। कहते हैं कच्छ अवतार मत्स्य अवतार, ये रामकृष्ण देवताओं का अवतार। दे से ही टेक्स कच्छ अवतार मत्स्य अवतार मीनिंग द टॉर्टिस एंड फिश इनकार्नेशन, और ही टेक्स इनकार्नेशन इन द फॉर्म ऑफ राम एंड कृष्ण द डीटीज। या कह देते हैं युगी युगी अवतार लेता हूं। और दे से ही हैज एन इनकार्नेशन एवरी एज। मैं हर युग आता ही नहीं हूं। आई डोंट कम इन एवरी एज एट ऑल। मैंने तो कहा है मैं कल्प के संगम युगे आता हूं। आई हैव सेड आई कम एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू साइकल्स मीनिंग कल्प। कल्प माना ही चतुर्युगी। द वेरी मीनिंग ऑफ कल्प इज अ साइकिल ऑफ फोर एजेस मीनिंग चतुर्युगी। चतुर्युगी पूरी होती है अर्थात एक कल्प पूरा हुआ दूसरा कल्प आना होता है, दोनों के बीच में संगम में आता हूं। When a चतुर्युगि ends, it means one cycle ends and another is about to begin. I come at the confluence of both the cycles. यानी कल्प के संगम युग और उसी युगे युगे। It means at the confluence of two kalp and I come in that very age. ऐसे नहीं कहा है कि हर युगे। It isn't said in every age. नहीं कल्प के संगम युगे। No. At the confluence of the two cycles. यानी जब पुरानी दुनिया होती है टोटल और नई दुनिया आनी होती है तो दोनों का संगम होता है तब मैं आता हूं। It means when the world becomes totally old and the new world is about to come, when the confluence of both the worlds occurs, I come. क्यों? Why? आता ही क्यों हूं? Why do I even come? अरे ये हेल को हेविन बनाने के लिए, दोजख को बहिष्ट बनाने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने में आता हूं। अरे टू मेक दिस हेल इन टू हेवन दैट इज टू मेक दोजक इन टू बहिष्ट टू मेक नर्क इन टू स्वर्ग। और मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं। आई कम आफ्टर एवरी 5000 ईयर्स। और जब आता हूं तो मैं ये सब तुमको समझा देता हूं। When I come, I explain all this to you. इनको भी नहीं समझ में आता है इनको भी नहीं समझाता हूं, ये तो बीच में सुन लेता है। This one doesn't understand, I don't explain to this one. He listens in between. और वो जो दूसरे धर्म वाले हैं अपने धर्म के पक्के उनको भी नहीं समझाता हूं। And those who belong to other religions, who are steadfast in their own religion, I don't explain to them either. इसलिए अभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुमको कहता हूं।
देखो विनाश तो हो रहा है। सो नाउ इन दिस पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज आई टेल यू लुक डिस्ट्रक्शन इज सर्टेनली हैपनिंग. अंदर ही अंदर चिंगारी लगी हुई है, सिविल वार। Sparks are kindling within for the civil war. तो विनाश तो सामने है ही जरूर। So, destruction is certainly ahead of us. इसलिए गाया जाता है विनाश काले। This is why it is said at the time of destruction. विपरीत बुद्धि तो याद नहीं करेंगे। Those who have an opposing intellect won't remember the father. तुम बाप को याद करो और बहुत प्यार से, एकदम बहुत प्यार से याद करो। You should remember the father and remember him with a lot of love, with great love. क्योंकि बाप तुमको ये बातें बताते हैं। It is because the father tells you these concepts. तो मनुष्य कभी लिखते हैं बाबा को, बाबा इतनी खुशी नहीं होती People write to Baba sometimes. Baba, I don't feel so happy. है। अरे खुशी नहीं होती है, अरे You don't feel happy. बाप जो तुमको इतना विश्व का मालिक बनाते हैं और तुमको फिर भी खुशी नहीं होती है। The father makes you the master of the whole world, and you still don't feel happy. जरूर तुम बाप को याद नहीं करते हो। Certainly, you don't remember him. या तो अम्मा को याद करते हो, इसे ब्रह्मा को। Or you probably remember the mother, this Brahma. बाप को तुमने पहचाना नहीं है, You haven't recognized the father. तो बाबा फट से लिख देते हैं कि तुम कायदे मुजीब तुमने समझा ही नहीं है कि बाप कौन है, और तुम उस बाप को याद ही नहीं करते हो। So, Baba writes a reply immediately. You haven't recognized who the father is properly, and you don't remember him at all. यानी जो बाप तुमको विश्व की बादशाही देते हैं, कौन बाप? You don't remember the father who gives you the sovereignty of the world. Which father? खुदा के पास विश्व की बादशाही होगी तो तुमको देगा ना। When he himself has the sovereignty of the world, only then will he give it to you, won't he? तो भक्ति मार्ग में क्या नाम पड़ा उनका? So, what he is named in the path of bhakti? विश्वनाथ कहा जाता है ना। He is called Vishwanath, isn't he? तो विश्वनाथ तुमको विश्व की बादशाही देते हैं। So, Vishwanath gives you the emperorship of the world. तो तुमको विश्व के बादशाह को याद करने में खुशी नहीं होती है? And you don't feel happy remembering the emperor of the world. है ना? You don't, do you? स्त्री को याद करते रहते हो, You keep remembering your wife. उसमें तुमको कितनी खुशी आती है। You feel so happy with it. जब गटर में गिरते हो, यानी जब स्त्री भी गटर में गिरती है, तभी उनको भी खुशी होती है। When you fall in gutter, that is, when even a woman falls in gutter, she feels happy.
स्त्री को बाप को याद करने में खुशी नहीं होती है, पति को याद करने में कितनी खुशी होती है। अ वुमेन डजेंट फील हैप्पी इन रिमेम्बरिंग द फादर, वेयर एज शी फील्स हैप्पी इन रिमेम्बरिंग हर हस्बैंड। और जो तुमको डबल सिरताज बनाते हैं उनको तुम याद ही नहीं करते हो। एंड द वन हू मेक्स यू डबल क्राउंड, यू डोंट रिमेम्बर हिम एट ऑल। तो बाप जब कोई ऐसे लिखते हैं बाबा, इतनी खुशी नहीं होती है, इतना उल्लास नहीं आता है। सो वेन समवन राइट्स टू द फादर, आई डोंट फील हैप्पी, आई डोंट फील सो एंथुजियास्टिक। तो उल्लास नहीं है तो तुम जरूर बाप को याद नहीं करते हो। इफ यू डोंट हैव एंथुजियाज्म, सर्टेनली यू डोंट रिमेम्बर द फादर। जरूर तुम्हारी बुद्धि इधर उधर यहां वहां भटकती रहती है। सर्टेनली योर इंटेलेक्ट कीप्स वॉन्डरिंग हियर एंड देयर। अरे बाप को याद करो ना, ऐसे बाप को जो तुमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। अरे डू रिमेम्बर द फादर, सच अ फादर हु मेक्स यू द मास्टर ऑफ द होल वर्ल्ड। और ऐसे भी नहीं कि तुम उनके बच्चे कभी नहीं बने हो। एंड इट इजेंट दैट यू हैव नेवर बिकम हिज चाइल्ड। तुम उनके बच्चे भी बने हो पास्ट में, यू हैव ऑल्सो बिकम हिज चाइल्ड इन द पास्ट। फिर भी बोलते हो कि हमको खुशी नहीं है। स्टिल यू से आई डोंट फील हैप्पी। अभी देखो खुशी कहां से होगी। नाउ लुक, हाउ विल यू फील हैप्पी? अपन आप को देखो, हम उस बाप के बच्चे बने हैं, बने हो। लुक एट योर सेल्फ एंड थिंक, हैव आई बिकम द चाइल्ड ऑफ दैट फादर? हैव यू? अभी खुशी नहीं तो क्या बने हो। इफ यू आरंट हैप्पी, हाउ हैव यू बिकम हिज चाइल्ड? जो किस जन्म का खुशियों का मालिक बनाते हैं। ही मेक्स यू द मास्टर ऑफ द हैप्पीनेस फॉर द 21 बर्थ्स। जहां दुख का नाम निशान नहीं होता, देयर इजंट अ ट्रेस ऑफ सोरो देयर। और तुमको अभी तलक खुशी नहीं। एंड यू आरंट हैप्पी इवन नाउ। तो तुम याद ही नहीं करते हो, करते हो क्या? सो यू डोंट रिमेम्बर हिम एट ऑल, डू यू? जरूर तुम्हारे में पूरा ज्ञान नहीं है, पहचान नहीं है। सर्टनली यू डोंट हैव द कंप्लीट नॉलेज, द कंप्लीट रिकग्निशन। बाप की असली मालूमात नहीं है। यू डोंट हैव द रियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द फादर। इसलिए याद करो, अच्छी तरह से याद करो। दिस इज वाई रिमेम्बर हिम, रिमेम्बर हिम नाइसली। माया तुमको धोखा देती है, माया डिसीव्स यू। और जब माया धोखा देती है तो तुमको पता ही नहीं पड़ता है कि माया तुमको तूफान ले आती है। एंड वेन माया डिसीव्स यू, यू डोंट रियलाइज एट ऑल दैट इट इज माया हु ब्रिंग्स स्टॉर्म्स टू यू। तूफान लेके आती है ना बच्चे। शी ब्रिंग्स स्टॉर्म्स, डजंट शी चिल्ड्रन? गीत भी है ना कि एक छोटे से दिए को तूफान लगते हैं। देर इज इवन अ सॉन्ग, अ स्मॉल लैम्प सफर्स अ स्टॉर्म। पीछे उनको शायद बुझाए देते। Perhaps
द स्टॉर्म एक्सटिंग्विशेस द लैम्प इन द एंड। तो बाप कितना अच्छी तरह से समझाते हैं बच्चों को। सो द फादर एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन सो नाइसली। और कोई एक बार की बात नहीं है, कल्प कल्प समझाते हैं। एंड इट इजंट अबाउट जस्ट वंस, ही एक्सप्लेन्स साइकिल आफ्टर साइकिल। और फिर कल्प कल्प बादशाही भी स्थापन जरूर होती है। Then the sovereignty is also established cycle after cycle. समझा ना बच्चे? You did understand, didn't you children? और ये वृद्धि को पाते रहते हो। You keep progressing. देखो अभी भी सर्विस वृद्धि को पाती रहती है ना। Look, service keeps progressing even now, doesn't it? आगे थे, तुम जानते हो आगे म्यूजियम थे। Earlier, you know, did museums exist earlier? है? ये प्रदर्शनियां थी कुछ है? Were there these exhibitions at all? अरे कुछ भी नहीं था। अरे नथिंग एग्जिस्टेड। जमुना के कंठे पर यूं ही रहते थे। यू सिंपली स्टेड ऑन द बैंक ऑफ जमुना। अभी दिन प्रतिदिन पता नहीं इनके बाद और भी कुछ युक्तियां रचेंगे। इनको पढ़ाई पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। Now, day after day, who knows what more tactics will come up to teach them, to explain to them, meaning the new students. क्योंकि बच्चे तो एकदम पत्थर बुद्धि हो गए हैं ना। It is because the children have become those with an absolutely stone-like intellect, haven't they? वो पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना है। Those with a stone-like intellect have to be made into those with a Paras-like intellect. Banana to hai na? They certainly have to become that, don't they? Abhi manushya artha to sun rahe hain. Ki atma patthar buddhi ban gayi hai. Now, the human beings are listening to the meaning. The souls have become the ones with a stone-like intellect. अभी इनको पारस बुद्धि बनना है। Now they have to become those with a Paras-like intellect. तो पारस बुद्धि कैसे बनेंगे? So how will they become those with a Paras-like intellect? बाप को जानेंगे और सारी रचना के आदि मध्यंत को जानेंगे, तब पारस बुद्धि बनेंगे। इफ यू कम टू नो अबाउट द फादर एंड अबाउट द बिगनिंग द मिडिल एंड द एंड ऑफ द एंटायर क्रिएशन, यू विल बिकम दोज विद अ पारस लाइक इंटेलेक्ट। बाप रचयिता है ना। द फादर इज द क्रिएटर, इजंट ही? तो रचयिता बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानेंगे ना। सो यू विल कम टू नो अबाउट द बिगिनिंग द मिडिल एंड द एंड ऑफ द क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर फादर, वोंट यू? तो पारस बुद्धि बनेंगे। देन यू विल बिकम दोज विद अ पारस लाइक इंटेलेक्ट। तो ये तो बाप ही आकर के नॉलेज देते हैं कि भाई कैसे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानेंगे। सो इट इज द फादर हु गिव्स दिस नॉलेज व्हेन ही कम्स। ब्रदर, हाउ विल यू कम टू नो अबाउट द बिगिनिंग द मिडिल एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड? इसीलिए बाप को ही नॉलेजफुल कहा जाता है। दिस इज व्हाई द फादर हिमसेल्फ इज कॉल्ड नॉलेजफुल। और हर एक बात, हर एक चीज में नॉलेजफुल।
एंड द फादर इज नॉलेजफुल इन एवरी एस्पेक्ट इन एवरी फील्ड। भाई अच्छा, प्योरिटी भी फुल। ब्रदर अच्छा ही इज फुल ऑफ प्योरिटी, पढ़ाई में भी फुल ही इज फुल ऑफ नॉलेज और प्यार में भी फुल। एंड ही इज फुल ऑफ लव एज वेल। 14/9/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। 8th पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 14/9/1968। तो ये तो अंग्रेजी अक्षर है ना? सो दिस इज एन इंग्लिश वर्ड इजंट इट? बाकी उसमें तो लिखा है ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर, प्यार का सागर, संपत्ति का सागर। एज फॉर द रेस्ट इट इज रिटन इन इट द ओशन ऑफ नॉलेज, द ओशन ऑफ प्योरिटी, द ओशन ऑफ पीस, द ओशन ऑफ जॉय, द ओशन ऑफ लव, द ओशन ऑफ वेल्थ। अथाह संपत्ति देते हैं ना, ही गिव्स अबंडेंट वेल्थ डजंट ही? तो ऐसे बाप को तुमको देखो ऐसा ही वर्षा मिलता है। सो लुक यू रिसीव सच इनहेरिटेंस फ्रॉम सच अ फादर। बेहद की संपत्ति तो बेहद का वर्षा। इट इज द अनलिमिटेड वेल्थ सो द इनहेरिटेंस इज अनलिमिटेड। और फिर ऐसे बनते भी हो। यू इवन बिकम दिस। तो पीछे ऐसे बनने के लिए तुम यहां आते हो। देन यू कम हियर टू बिकम दिस। क्योंकि सत्संग में तो तुम है, सत्संगों में तो तुमने बहुत ही देखा है। इट इज बिकॉज इन द सत्संग मीनिंग गैदरिंग यू यू हैव सीन अ लॉट इन सत्संग्स। ढेर के ढेर सन्यासी, उदासी, ब्राह्मण, क्या क्या मनुष्य। सो मेनी सन्यासीज, उदासीज, ब्राह्मिन्स, वेरियस ह्यूमन बीइंग्स। उदासी मीन्स दोज हू थिंक दैट द वर्ल्ड इज मोमेंट्री एंड बिकम सोरोफुल। जो मैं भी सत्संग करके देख चुका हूं, आई टू हैव बीन इन सत्संग्स एंड सीन इट। कोठी पर बैठ करके सिटिंग इन अ रूम। ये पार्श्व भाग और ये वशिष्ठ जी और ये फलाना ये ठिकाना। दिस पार्श्व भाग, दिस वशिष्ठ जी एंड सो बैठ करके बुड्ढे बुढ़िया आकर के बैठते थे ओल्ड मैन एंड वुमेन यूज टू कम एंड सिट। और मैं खुद उनकी पढ़ाई पढ़ता था। आई माई सेल्फ यूज टू टीच देम। मीरचंद काका को पढ़ाता था। आई यूज टू टीच मीरचंद काका। काका अ रिस्पेक्टेबल टर्म एड्रेसिंग एन एल्डर मैन। कुछ तबीयत ठीक नहीं, हम बच्चे को कहते अच्छा इनको सुनाओ। इफ आई वॉजंट वेल आई यूज टू टेल माई सन अच्छा नरेट इट टू दिस वन। तो बैठ करके सुनाते थे। सो ही यूज टू सिट एंड नरेट इट टू हिम। उसमें क्या होता था? वॉट हैपेंड विद इट? शास्त्रों को सुनाने में कुछ भी नहीं। देर इज नो यूज इन नरेटिंग द स्क्रिप्चर्स। वो तो सब भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा ही अंधश्रद्धा। ऑल ऑफ दैट इज द पाथ ऑफ भक्ति फुल ऑफ सुपरस्टिशन। कोई भी एम ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसे भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से क्या फायदा। देर इज नो एम एन ऑब्जेक्ट एट ऑल।
वॉट इज द यूज ऑफ रीडिंग सच स्क्रिप्चर्स ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति? कुछ भी फायदा नहीं, देर इज नो यूज एट ऑल. तो इसलिए इसको गीता पाठशाला कहते हैं. दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड अ गीता पाठशाला, मीनिंग गीता स्कूल. है इसको वेद पाठशाला नहीं कहेंगे. इट वोंट बी कॉल्ड वेद पाठशाला, मीनिंग स्कूल ऑफ द वेदास. ये नाम भले कहां भी रखे हैं पढ़ाने का, दे मे कीप दिस नेम एनीवेयर फॉर द पर्पस ऑफ टीचिंग. पीछे नहीं, गीता में तो होता है ना, बरोबर गीता से नर से नारायण बनते हैं. इट इज सर्टनली रिटन इन द गीता, इजंट इट? ट्रूली यू बिकम नारायण फ्रॉम अ नर थ्रू द गीता. अर्जुन के लिए कहते हैं ना, इट इज सेट फॉर अर्जुन, इजंट इट? नर अर्जुन नारी द्रौपदी, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं. नर अर्जुन एंड नारी द्रौपदी, दे बिकम नर टू नारायण एंड नारी टू लक्ष्मी. गीता की बात है ना, इट इज अबाउट द गीता, इजंट इट? तो ये जो बाप सुनाते हैं ये भी गीता है. What the father narrates is also the Gita. तो बाप तो जरूर बनाएंगे ना नर से नारायण. So the father will certainly make you nar to Narayan, won't he? और ये मनुष्य है, ये जो गीता पढ़ते हैं, गीता ही इन्होंने बैठ बनाई है, लिखी है. ये मनुष्य थोड़े ही नर से नारायण बनाए सकेंगे. एंड दीज ह्यूमन बींग्स हु रीड द गीता, हु हैव क्रिएटेड रिटन द गीता, दीज ह्यूमन बींग्स सर्टनली वोंट बी एबल टू मेक एनी वन नर टू नारायण. अरे ये मनुष्य थोड़े ही किसी को देवता बनाए सकेंगे. अरे दीज ह्यूमन बींग्स डेफिनेटली वोंट बी एबल टू मेक एनी वन इंटू अ डीटी. इनका नाम ही है मनुष्य, मन वाले, कितना मन इनका चंचल है, बंदरों की तरह. नहीं, देयर वेरी नेम इज मनुष्य, मीनिंग ह्यूमंस. दोज हू हैव अ माइंड, देयर माइंड इज सो फिकल लाइक दैट ऑफ मंकीज. नो, मनुष्य से देवता की ये करतन लागी वार. मनुष्य से देवता की करतन लागी वार. इट टेक्स अ सेकेंड टू बिकम अ डीटी फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग. एक सेकेंड का गायन है, द प्रेज इज अबाउट 1 सेकेंड. इसका हुज जनक का गायन है ना, 1 सेकेंड में जीवन मुक्ति. इट इज प्रेज्ड फॉर जनक, इजंट इट, दैट ही अटेंड लिबरेशन इन लाइफ इन अ सेकेंड. तो ये कोई मनुष्य गुरुओं की बात थोड़े ही है. सो इट इज नॉट अबाउट द ह्यूमन गुरुज एट ऑल. ये तो बेहद के बाप की बात है. इट इज सर्टेनली अबाउट द अनलिमिटेड फादर. इसलिए बाबा कहते हैं, बार बार कहते हैं, और जो कहते हैं वो सहज बात है कि अपन को देह मत समझो, आत्मा समझो. दिस इज व्हाई बाबा सेज, ही सेज इट अगेन एंड अगेन, एंड व्हाट ही सेज इज समथिंग वेरी इजी. डोंट कंसीडर योरसेल्फ अ बॉडी, कंसीडर योरसेल्फ अ सोल. तुम कोई देह थोड़े ही हो. यू सर्टेनली आरंट द बॉडी. देह तो आज है, कल खलास. द बॉडी एग्जिस्ट टुडे एंड टुमारो इट पेरिशेस. तुम तो अजर हमारा अविनाशी आत्मा हो. यू आर द एजलेस इमॉर्टल एंड इम्पेरिशेबल सोल. देह खलास हो जाएगी तो भी आत्मा तो रहेगी ना, पुनर्जन्म लेगी. इवन इफ द बॉडी पेरिशेस, द सोल विल डेफिनेटली एग्जिस्ट, वोंट इट? इट विल हैव अनदर बर्थ.
ये देह तो घड़ी घड़ी, अरे दिस बॉडी पेरिशेस टाइम टू टाइम। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूं, दूसरी छोड़कर तीसरी लेती हूं। द सोल सेज आई लिव वन बॉडी एंड टेक अ सेकेंड बॉडी, आई लिव द सेकेंड एंड टेक अ थर्ड बॉडी। तो 84 देह लेती हूं पूरे चक्कर में। सो आई टेक 84 बॉडीज इन द कंप्लीट साइकिल। ये चक्र का तुमको ज्ञान हुआ है, 84 का चक्र है ना। यू हैव कम टू नो अबाउट दिस साइकिल, इट इज द साइकिल ऑफ 84 बर्थ्स, इजंट इट? है? फिर सब तो 84 नहीं लेते। वेल नॉट एवरीवन हैज 84 बर्थ्स। अच्छा, कोई 82 लेते हैं, 80 लेते हैं। अच्छा, सम हैव 82 बर्थ्स, सम हैव 80 बर्थ्स। पर लेते तो है ना। बट दे सर्टनली हैव अ बर्थ, डोंट दे? ऐसा तो कोई मनुष्य नहीं होगा जो इस सृष्टि में आके जन्म न ले। देर वॉन्ट बी अ सिंगल ह्यूमन बींग हु डजंट कम टू दिस वर्ल्ड एंड हैव अ बर्थ। बाकी भक्ति मार्ग में कहते हैं, गाते हैं, 100 100 बार हमने जन्म लिए। एज फॉर द रेस्ट दे से दिस इन द पाथ ऑफ भक्ति, दे सिंग वी हैड 100 बर्थ्स। अरे मैक्सिमम होती ही 84 जन्म। अरे मैक्सिमम देर आर ओनली 84 बर्थ्स। और वो भी मैक्सिमम पिछाड़ी में होती है। दैट टू देर आर मैक्सिमम 84 बर्थ्स इन द एंड। क्योंकि जब एक इट इज बिकॉज वेन वन है, एक के पिछाड़ी सब वहां से आ जाएंगे। एवरी वन विल कम बिहाइंड द वन फ्रॉम देयर। तो पिछाड़ी की ही बात है ना। सो इट इज सर्टनली अबाउट द एंड, इजेंट इट? ये एक जन्म होगा ना उनका, जैसे या दो भी जन्म होंगे, तीन भी जन्म बच्चे लेते होंगे। दे विल हैव वन बर्थ, वोंट दे? जस्ट लाइक, और सम माइट इवन हैव टू बर्थ्स, सम चिल्ड्रन माइट इवन हैव थ्री बर्थ्स। आय करके मरने और जन्म लेने में अरे देरी थोड़ी ही लगती है। अरे इट डजेंट टेक टाइम टू कम, हैव अ बर्थ एंड टू डाई। तो अभी कहते हैं कि जब विनाश है अभी सामने, टोटल विनाश है। सो नाउ ही सेज द डिस्ट्रक्शन दैट इज स्टैंडिंग अहेड इज टोटल डिस्ट्रक्शन। उसको कहा जाता है टोटल विनाश, महाविनाश, कल्पांत। इट इज कॉल्ड टोटल डिस्ट्रक्शन, ग्रेट डिस्ट्रक्शन, द एंड ऑफ द साइकिल। क्योंकि पतित जब सब खत्म हो जाएंगे ना, फिर पावन राज्य शुरू हो जाएगा। इट इज बिकॉज वेन ऑल द इम्प्योर वंस आर डिस्ट्रॉयड द प्योर किंगडम विल बिगिन। तो ये तो सब ये बच्चे समझते ही हैं कि जब हमारा राज्य था तब ये दूसरा कोई भी धर्म न धर्म था न उनका राज्य था। सो These children certainly understand all this. When our kingdom existed, there wasn't any other religion, neither any religion nor any other kingdom existed. अभी ऐसे कहेंगे Now,
दिस इज वॉट विल बी सेड कि जब हमको अपना ये राज्य था, जो राज्य था वो फिर से स्थापन करते हैं। दिस किंगडम वी हैड ही एस्टेब्लिशेस दैट किंगडम अगेन। जब हमारा राज्य होगा तो फिर दूसरा कोई भी राज्य नहीं होगा। When it is our kingdom, there won't be any other kingdom. तभी गाया जाता है कि हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। It is then that we say, we are becoming the masters of the world. और कोई एक बार की बात नहीं है, हम कल्प कल्प विश्व के मालिक बने। And it isn't about only one time. We have become the masters of the world cycle after cycle. अब कोई बतावे कितने दफा हम विश्व के मालिक बने होंगे? Now, someone answer. How many times would we have become the masters of the world? अरे इन्यूमरेबल टाइम्स। अरे इन्यूमरेबल टाइम्स। कोई की बुद्धि में ही नहीं आ सकता है। इट कांट कम इन द इंटेलेक्ट ऑफ एनीवन एट ऑल। और फिर बनेंगे अनगिनत टाइम्स। एंड वी विल अगेन बिकम द मास्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इन्यूमरेबल टाइम्स। क्योंकि मालिक बन करके फिर तमो प्रधान बन जाते हो। इट इज बिकॉज यू बिकम द मास्टर एंड देन बिकम तमो प्रधान। और फिर तमो प्रधान बन करके सतो प्रधान भी बन जाते हो। आफ्टर बिकमिंग तमो प्रधान यू ऑल्सो बिकम सतो प्रधान अगेन। तो ये तमो प्रधान से सतो प्रधान से तमो प्रधान चक्कर लगाते ही रहते हो। सो यू कीप कमिंग इन द साइकिल ऑफ बिकमिंग फ्रॉम तमो प्रधान टू सतो प्रधान एंड सतो प्रधान टू तमो प्रधान। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिर संगम युग फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग फिरते ही रहते हो। द गोल्डन एज द सिल्वर एज द कॉपर एज द आयरन एज एंड देन द कॉन्फ्लुएंस एज अगेन अगेन द गोल्डन एज द सिल्वर एज द कॉपर एज यू कीप गोइंग अराउंड द साइकिल। और मैं तो हर युग में नहीं आता हूं। एंड आई सर्टनली डोंट कम इन एवरी एज। मैं तो संगम युग पर ही आता हूं। आई कम ओनली इन द कॉन्फ्लुएंस एज। और कैन बी नो एंड। देयर कैन बी नो एंड यानी कोई इस चक्र का अंत नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो एंड टू दिस साइकिल। बार बार अनगिनत बार ऐसे ही होता आया है। इट हैज बीन गोइंग ऑन द सेम वे अगेन एंड अगेन इन्यूमरेबल टाइम्स। तो अभी समझ गए है ना अच्छी तरह से। नाउ यू हैव अंडरस्टूड इट नाइसली हैवंट यू। अब ये समझ सकते हैं और दूसरों को समझाना है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट टू अदर्स। और ये समझाना है भी बहुत से। इट इज ऑल्सो वेरी इजी टू एक्सप्लेन इट। कितना देरी होगी इतना इशारे में भी समझाएंगे। यू कैन इवन टेल देम हाउ लॉन्ग इट विल टेक विद हिंट्स। ये जो बैज है ना ये जो बैज बच्चों को दिया है ना ये बैज के ऊपर तो बिल्कुल सहज है समझाना। दिस बैज दैट द चिल्ड्रन आर गिवन इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लेन ऑन इट। क्या वॉट कि ये है बाप। दिस इज द फादर। ये ब्रह्मा जिसका अर्थ ही होता है ब्रह्म माने बड़ी माँ माने माँ।
दिस ब्रह्मा, द वेरी मीनिंग ऑफ द नेम इज ब्रह्म मीन्स सीनियर एंड मा मीन्स मदर। और ये जो विष्णु है ना, ये पद प्राप्त कर रहे हैं विष्णु का। एंड दिस विष्णु, ही दैट इज ब्रह्मा, इज अटेनिंग द स्टेटस ऑफ विष्णु। ये स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ही एस्टेब्लिशेस हेवन। जब स्थापना होती है तो ब्रह्मा सु विष्णु बनते हैं। एन एस्टेब्लिशमेंट टेक्स प्लेस, ही बिकम्स ब्रह्मा टू विष्णु। इसको कहेगा एक सेकंड में ब्रह्मा सु विष्णु। इट विल बी सेड, ही बिकम्स विष्णु फ्रॉम ब्रह्मा इन अ सेकेंड। अच्छा, एक सेकंड में ब्रह्मा सु विष्णु, फिर अच्छा ब्रह्मा टू विष्णु इन अ सेकेंड, देन फिर क्या होता है? व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? है फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं, 5000 वर्ष पूरे। इट टेक्स 84 बर्थ्स, द कंप्लीट 5000 ईयर्स टू बिकम विष्णु टू ब्रह्मा। और देखो आखानी कितनी बनाई, पाई पैसे की तो आखानी। एंड लुक, दे हैव मेड सो मेनी स्टोरीज, वर्थलेस स्टोरीज। इसलिए बैज बच्चों को बनाए के दिए। दिस इज व्हाई द बैज हैज बीन मेड एंड गिवन टू द चिल्ड्रन। और बैज के ऊपर जहां तहां, ट्रेन में हो, बस में हो, कहीं भी समझा सकते हैं। यू कैन एक्सप्लेन ऑन द बैज एनी वेयर, वेदर यू आर इन अ ट्रेन और अ बस। तो सबको मालूम पड़ जाएगा ना। फिर कभी कहते हैं बाबा, सो एवरीवन विल कम टू नो, वोंट दे? समटाइम्स यू से बाबा। ऐसे तो बैज पहन करके कोई ठग भी जाएंगे। Some may even cheaters wearing the badge. अरे इस बैज को संभालना है। अरे you have to look after this badge. इस दुनिया में ठग तो सभी हैं। Everyone in this world is a cheat. ऐसे पहन करके ठग हो सकते हैं। There can be cheats wearing this badge. या बैज पहन करके अगर अंदर आएंगे तो पहले समझेंगे शायद कि भाई ये कोई हमारी संस्था का है। और इफ समवन वेयर्स द बैज एंड कम इनसाइड, परहैप्स दे विल थिंक एट फर्स्ट दिस वन बिलोंग्स टू आवर इंस्टीट्यूशन। परंतु आजकल तो ठगी बहुत है। बट नाउअडेज देयर इज अ लॉट ऑफ चीटिंग। पहन करके अंदर चले आएंगे, दे विल वेयर इट एंड कम इनसाइड। आगे चल करके और ठगी करते हैं जहां तहां। इन द फ्यूचर दे विल चीट अ लॉट एवरीवेयर। क्योंकि बैज तो कहां से भी ले सकते हैं। इट इज बिकॉज दे कैन गेट अ बैज फ्रॉम एनी वेयर। है मिल सकता है ना। दे कैन गेट इट, कैंट दे? तो ये बैज को संभालना होता है बच्चों को कि भाई कोई ठग ना जाबे। सो The children have to look after the badge, so that brother, no one might cheat you. क्योंकि आजकल की दुनिया में ठगी तो बहुत है ना। It is because many cheat in the world today, don't they? Om Shanti. Om Shanti.